अयोध्या में पांचवें चरण में मतदान हो रहा है और ऐसे में बीजेपी ने जहां एक तरफ पूरी ताकत झोंक दी है तो वहीं महिलाएं योगी सरकार की वापसी को लेकर पूजा अर्चना कर रही हैं। इस दौरान न्यूज स्टेट संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने महिलाओं से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते। अयोध्या एक ऐसा शहर है जिसको शायद ही कोई अयोध्या बोलता हो। अयोध्या जी जा रहे हैं, अयोध्या पूरी जा रहे हैं, क्योंकि धार्मिक संस्कारों के इस शहर को आप कभी भी सदियों से एक जो हिंदुस्तान की सभ्यता है उसका केंद्र मानते रहे। हम यहाँ इस वक्त एक गांव में घूमते हुए जा रहे हैं तो लोगों से पूछ रहे, यहाँ पूजा हो रही है, माँ काली की तस्वीर आपको दिख रही होगी, नीचे महिलाएं बैठी हैं जो गांव की हैं, ये पूजा चल रही है। हालांकि ये पूजा होती है, एक रिवाज भी है, ट्रेडिशन है यहाँ उस पूजा का, लेकिन मान्यता के लिए होती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये अभी चुनाव से पहले की मान्यता है, हम लोग भी पूछ लेते हैं, अलग अलग है आखिर किसका और क्या चुनाव है। नमस्कार, कैसे हैं आप? किसकी पूजा चल रही है ये? जी दुर्दुर्या जी की पूजा। दुर्दुर्या जी की, किस लिए की जाती है? जी मान्यता जो भी पूरी होती है उसके बाद किया जाता है माता जी का। और पहले मानने के लिए भी किया जाता है कि हम मान रहे हैं? नहीं नहीं, अगर पूरा हो जाता तो किया जाता है ये। तो अब फिर मान भी सकते हैं, अभी जो और हैं जिनके पूरे हो वो मन्नत कर रहे हैं। अच्छा। बाकी हम लोग मांग सकते हैं और जो भी हैं आप मांग सकते हैं। जी जी बिल्कुल। चल रहा है, किसको मांग रहे हैं? योगी जी को मांग रहे हैं। योगी जी को और तो क्या, बस योगी जी के लिए आएंगे। हाँ, योगी जी के लिए पूजा हो रही है कि वो आएंगे तो बस आएंगे ही आएंगे। हाँ, तो काम वाम किया है? क्यों नहीं काम किया है, अयोध्या देखिए जा करके पता चल जाएगा, बनारस देखिए जा करके, काशी देखिए। जिनके आंख में पट्टी बंधी हो उनको ना पता हो, बाकी तो सबको पता है। सबको पता है हाँ कि किया किसने काम है। आप बताइए किस लिए, क्या है? योगी जी ने काम, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं कि मेरे योगी जी फिर आए। हाँ, फिर जय जयकारा लगे, फिर हम लोग अवसान माता की दुर्दुर्या चबाए यहाँ। अच्छा, ये उन्हीं के लिए हो रहा है पक्का? जी। ऐसा तो नहीं दिल्ली है, ऐसा तो नहीं है मुझे दिल्ली से आया जान के आप मेरे साथ भी मजाक हो रहा है, पूजा उनके लिए ही है? हाँ, योगी जी के लिए। योगी के लिए है भाई, ऐसी जगह मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ योगी जी के लिए पूजा हो रही है। अच्छा, योगी अच्छा काम किए कि नहीं ये तो बताओ। अच्छा किए, योगी किए हैं। अरे वोट वोट दिए हमारे, ये वोट वोट दिए हैं योगी को? हाँ, अब देवेंगे नहीं का देवेंगे। अच्छा, आप बताइए कुछ काम वाम हुआ कि नहीं? बहुत काम हुआ, इतना काम कोई की सरकार में नहीं हुआ जितना अब की हुआ। हाँ, योगी और मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत। ये पूजा किसके लिए चल रही है? योगी मोदी के लिए चल रही है, फिर जीतेंगे तो फिर चलेगा। अच्छा, ये 10 तारीख के बाद? हाँ हाँ हाँ। तो नहीं मुझे दिल्ली का जान के मुझे बता रहे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ तो कोई बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलता? नहीं, झूठ काहे बोली, वो सब जाना थी। हाँ, सब जाना। नहीं, अयोध्या तो पहले से बहुत बदली है। पहले से बदली? जहाँ पहले कुछ भी नहीं था अयोध्या में, वहाँ हम लोग दीपोत्सव देख रहे हैं, लेजर लाइट देख रहे हैं, जो कि बिना योगी के शायद ये नहीं था। इसीलिए आप लोग सब इसमें जुटे हुए हैं? नहीं, ये तो मम्मी की पूजा है, हम लोग बस इसमें इसमें आए हुए हैं। अलग अलग चीज़ें हैं इस समय, एक छोटा से अलग अलग चीज़ों पर, लेकिन राय तो उनकी पता चल ही रही है। हम लोग पूछते हैं कि और क्या राय हो सकती है। अच्छा, आप बताइए, ये जो मामला है पूजा, तो आप, मुझे लगता है कि कुछ कुछ अलग अलग मान्यताओं के साथ होंगी, लेकिन क्या योगी जी की जीत की भी पूजा हो रही है? हाँ, मन्नत तो यही थी। मन्नत यही है? यही है मन्नत, तो यही है कि योगी बाबा ही इस बार वापस आने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि हम लोग हिंदुओं को जागृत करने के लिए, एक जैसे अभी तक था तो हिंदू एक दबा और कुचला था, हिंदू अपनी बात मुखरता से बोलता नहीं था। अच्छा, अब वो बात अपनी मुखरता से बोल रहा है बिना डर के। आप एबीवीपी में तो नहीं थी? नहीं, छात्र संघ में। आप ऐसे ही बोल रही हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी ससुराल यहीं है और घर कहाँ है? घर भी यही है, ससुराल भी यही है, अयोध्या के पास। जी, तो देखिए, आपने तो अयोध्या, तो आपको लग रहा बदल गई एकदम? बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं देखने? बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत शानदार शहर होने एकदम एकदम एकदम। चलिए, एक छोटा को शायद ये अयोध्या की एक हकीकत भी है कि अयोध्या अपनी जिंदगी को जिस तरह से देख रहा है, बदलते हुए देख रहा है, उसको लगता है कि श्री राम लला का जो मंदिर बन रहा है वो यहाँ के लोगों के लिए भी आगे की जिंदगी में सहयोग देगा, क्योंकि उनकी पुरानी जिंदगी में उनके बंद होने की चीजें यादों में है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रयागराज की जनता से वादा किया है कि वो उनके प्यार के कर्जदार हैं और सूद समेत विकास के काम के जरिए वो इसे जनता को लौटाएंगे। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के यूपी को बेहतर नेतृत्व की जरूरत है और जिसे प्रयागराज के नाम से भी आपत्ति हो वो भला प्रयागराज का क्या भला करेगा। पीएम ने अंधविश्वास को लेकर भी पिछली सरकार पर तंज कसे। गुरुवार को अमेठी में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में बीजेपी की रैली में पहुंचे तो उन्होंने जनता से कहा कि यूपी 21वीं सदी का आकांक्षी है जिसके लिए नेतृत्व की अहम भूमिका होगी। पीएम ने एसपी पर हमला करते हुए कहा कि परिवारवादी लोग अंधविश्वासी भी हैं। क्या यूपी ऐसा नेतृत्व चाहेगा? क्या किसी अंधविश्वासी को उत्तर प्रदेश का नौजवान स्वीकार कर सकता है? कर सकता है? ये कैसे लोग हैं? उनका अंधविश्वास कैसा है? कुर्सी न चली जाए इसके लिए ये लोग नोएडा नहीं जाते, बिजनौर नहीं जाते। क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है कि नहीं है? क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं? आधुनिक उत्तर प्रदेश बना सकते हैं? प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष ईवीएम पर सवाल करने लगे तो समझ लीजिए कि उनका काम खत्म हो गया। पांचवा चरण पूरा हो जाएगा या छठवा चरण पूरा हो जाएगा इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार तो हिलौने चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए, ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता के सवाल पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भारी भीड़ को देखकर कहा कि आपका प्यार ब्याज समेत लौटाऊंगा। उन्होंने प्रयागराज नाम को लेकर भी जनता से सवाल पूछा। ये बहनों, जिनको प्रयागराज ये नाम से नफरत हो वो क्या प्रयागराज का विकास करेंगे? क्या आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे? क्या आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे? क्या पीएम मोदी ने नौजवानों से कहा कि 5 साल में योगी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, जबकि इससे पहले 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाती थी। मोदी ने योगी और केशव की टीम पर भरोसा जाहिर करते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। टीम न्यूज़ स्टेट।